वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो हम बता दें कि आज हम इस वीडियो में जो भी लोग आईआरटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जिनका फर्स्ट ईयर या फिर ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है या फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, मैंने ये वीडियो खास तौर से उनके लिए वीडियो बना रखा है। क्योंकि जैसे कि कुछ रूल्स और नियम होते हैं आईआरटी कॉलेज के, तो अभी उनको पूरा रूल और नियम नहीं पता होगा, उसी से रिलेटेड मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए इस वीडियो में मैंने बना रखा है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोग के लिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि आप सब लोग अगर यदि क्लास कर रहे हो, अगर यदि आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे, तो मैं बता दूँ आप लोग को बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के एग्जाम्स के लिए। यानी कि अगर यदि सेमेस्टर से एग्जाम्स होंगे तो आप लोग अपने खुद के नोट से चीज़ों को पढ़कर समझकर आप एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। तो अगर यदि आप लोग कॉलेज जाते हो तो क्लास जरूर करिएगा। अगर यदि क्लास मिस कर रहे हो तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। यानी कि आप लोग का अगर यदि अटेंडेंस 75% से कम रहा तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप अगर यदि रेगुलर क्लास कर रहे हैं तब तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर है, आपका अटेंडेंस 75% से प्लस रहेगा। तो आप लोग ये मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट्स भी आएगा, यानी एग्जाम अच्छे जाएंगे, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अगर यदि जो लोग नहीं कर रहे, 75% अटेंडेंस कम है, वो जाते हैं कॉलेज घूमते हैं इधर उधर, तो जान लीजिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि हम लोग के साथ भी कुछ ऐसे लड़के थे जो कि क्लास नहीं करते थे, आते जरूर थे कॉलेज लेकिन इधर उधर घूमते थे या फिर वहाँ बैठते थे यहाँ बैठते थे, सिर्फ टाइम पास करते थे। तो मैं बता दूँ कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ भी कुछ भी ऐसा हो। अगर यदि आप ये जान लीजिए कि आपका 75% से अटेंडेंस कम रहा, तो आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा गया है पहला, तो ये आपका रुक सकता है। यानी कि पहली प्रॉब्लम यही है कि आप लोग का स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। यानी कॉलेज वाले 75% अटेंडेंस अगर देखेंगे कि जब से क्लास चल रहा है और स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड करते समय के पूरा मिलाकर 75% अटेंडेंस आपका नहीं हो रहा है, तो वो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यानी आपका स्कॉलरशिप रुक सकता है। तो ये था पहला। अगर यदि हम बात करें दूसरा, तो दूसरा आप लोग ये जान लीजिए कि अगर यदि आपका 75% से अटेंडेंस कम रहा तो आपका इंटरनल बैक भी कॉलेज वाले लगा सकते हैं, जो कि लगा था हम लोग के टाइम भी, दो लड़कों का लगा था। तो ऐसा होता है, बहुत लड़कों ने रिक्वेस्ट किया तो उनका जा कर के, मतलब ये कह लीजिए कि 75% अटेंडेंस नहीं था, इसके वजह से उनका इंटरनल बैक लगा। उसके बाद भी कुछ दिक्कत थी, जो कि आप लोग ये समझ लीजिए कि एडमिट कार्ड, यानी कि जो मेन आपका सेमेस्टर का एग्जाम्स होता है उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। यानी तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर 75% से अटेंडेंस आपका कम है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसलिए आपको 75% अटेंडेंस देना होगा। अगर यदि मान लीजिए बाय द वे स्कॉलरशिप का फॉर्म बहुत रिक्वेस्ट करके आप फॉरवर्ड करा लिए, एप्लीकेशन दे दिए, मुझे ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नहीं आ पाया, वो हो गया, फिर मान लीजिए उसके बाद आपका अगर यदि 75% अटेंडेंस नहीं हो पाया और आपने किसी कारणवश आपका जो मतलब एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड के लिए फिर आपने रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन डाला, बहुत तोड़े धुपे, तो हो सकता है शायद आपका वो भी आ सकता है। लेकिन जो इंटरनल बैक अगर यदि कॉलेज वाले लगा देंगे तो वो फिर आप लोग ये जान लीजिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपको फिर अगले सेमेस्टर में जा कर के उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो तीन प्रॉब्लम्स आपके, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए आप लोग ये तीनों प्रॉब्लम्स को समझिए और अपने 75% अटेंडेंस पूरा का पूरा कॉलेज में दीजिए। यानी कि 75% से कम आपका अटेंडेंस नहीं होना चाहिए, उससे प्लस ही हो, कम नहीं हो, नहीं आपको ये सब प्रॉब्लम्स दिक्कत आ सकती है, जो होता है। बहुत सारे लड़के थे जिनको दिक्कत हुई थी और ये सब हम लोगों ने देखा था।
तो हम नहीं चाहते कि आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए मैं पहले से ही आपको अवॉइड कर दे रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ों को ध्यान देंगे और क्लासेस रेगुलर करेंगे। अगर यदि आप क्लासेस रेगुलर करेंगे तो आप प्रॉपर वे से अपने नोट्स बनाएंगे, तो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में तैयारी करने के लिए बहुत बढ़िया आपके पास चांस रहता है कि खुद का नोट खुद समझेंगे, चीज़ों को अच्छे समझे रहेंगे, तो आप अच्छे से एग्जाम्स में जाकर लिख भी पाएंगे। अगर नहीं तो सीनियर का लेकर के थोड़ा समझना होता है, चीज़ों को दिक्कत आती है, लेकिन खुद का लिखा हुआ चीज़ें हमको जल्दी समझ में आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि आप लोग को 75% अटेंडेंस देना अनिवार्य है। तो मुझे आज की वीडियो में इतना ही बताना था, तो आप लोग IIT वाले थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर यदि 75% नहीं रहा तो आप सबको ये सब दिक्कत झेलनी पड़ेगी। थैंक यू।